हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है गेट्स का ही एक टाइप। अब कौन सी टाइप है आज हम आपको बताएंगे यूनिवर्सल गेट्स के बारे में और उनके स्विचिंग सर्किट्स के बारे में। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बेसिक गेट्स और उनके स्विचिंग सर्किट्स के बारे में बताया था। आज हमें यह मालूम होना चाहिए कि यूनिवर्सल गेट्स कौन से हैं और उनके स्विचिंग सर्किट्स कैसे होते हैं। मैंने आपको बताया है कि हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स जो होते हैं वो गेट्स होते हैं जिनमें से हम बाकी सब गेट्स के जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। और ये भी हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल गेट्स से हम दूसरे गेट्स को निकाल सकते हैं। तो बच्चों यूनिवर्सल गेट्स के अंदर सबसे पहले दो कैटेगरीज में लिखूंगा। एक लिखूंगा बच्चों नॉर गेट और दूसरा लिखूंगा नैंड गेट। नैंड गेट, जैसा कि आप जानते हैं हमें इन गेट्स के बारे में इनकी बूलियन इक्वेशन, इनका ट्रुथ टेबल और इनके स्विचिंग सर्किट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं नॉर गेट को लेता हूं। नॉर गेट एंड नैंड गेट आर द टू गेट्स विच आर द यूनिवर्सल गेट्स फ्रॉम विच वी कैन परफॉर्म ऑल अदर गेट्स और फ्रॉम विच वी कैन डिराइव ऑल अदर गेट्स। तो सबसे पहले नॉर गेट की बात करते हैं। नॉर गेट क्या होता है? तो बच्चों अब हम बोलेंगे जो हमारे पास बेसिक गेट्स थे एंड आर और नॉट, उनके ही कॉम्बिनेशन से ये गेट्स बनते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, अगर मैं इसको एन को ऐसे रखूं और को ऐसे कर दूं, इसका मतलब आप कुछ समझ गए होंगे कि इस नॉर गेट में किस किस गेट का इन्वॉल्वमेंट है। नॉट एंड, ये एंड दूसरा है और वाला, नॉट एंड और। देखिए बच्चों यहां पर ये एन किसको इंडिकेट करता है? नॉट को, और ये और तो और है। इसका मतलब नॉर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेसिक गेट्स, दैट इज नॉट गेट एंड और गेट। तो इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन में आप लिखेंगे व्हेन एन और गेट इज फॉलोड बाय अ नॉट गेट देन द रिजल्टेंट गेट पर कैसा गेट? लॉजिक गेट। रिजल्टेंट लॉजिक गेट इज नाउन एज नॉर गेट। तो देखिए बच्चों डेफिनेशन में से ही हम इसका लॉजिक सिंबल भी बना सकते हैं। मतलब जब भी हमें कोई पूछे कि नॉर गेट क्या होता है तो हम बोलेंगे इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट्स, दोज टू गेट्स आर नॉट गेट एंड और गेट। एंड वी कैन यूज द डेफिनेशन हेयर व्हेनेवर एन और गेट इज फॉलोड बाय अ नॉट गेट। मतलब अगर और गेट को एक नॉट गेट फॉलो कर दे तो जो रिजल्टेंट अरेंजमेंट होगा वो होगा नॉर गेट का। तो देखिये इसका मतलब सबसे पहले मैं एक और गेट बना देता हूं। तो देखिए बच्चों और गेट आप जानते हैं, मैंने ये और गेट बना दिया। दिस इज टू टर्मिनल, टू इनपुट टर्मिनल और गेट। तो इस और गेट का एक इनपुट आउटपुट होगा, दैट इज वाई। तो देखिए बच्चों ये और है, और गेट इज फॉलोड बाय, मतलब और को कौन फॉलो करेगा? नॉट, मतलब इसके बाद में एक नॉट गेट लगा दीजिए। तो देखिए बच्चों ये जो गेट बनता है इसको कहा जाता है नॉर गेट। और गेट इज फॉलोड बाय कौन से गेट से फॉलो हुआ है बच्चों? नॉट गेट से। इसका मतलब अगर ये वाई है तो आप यहां पर अब ये लिख सकते हैं कि आर का आउटपुट क्या होता है? आर का आउटपुट होता है ए प्लस बी, एडिटिव गेट होता है। तो यहां पर क्या जाएगा बच्चों? ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये क्या कर देगा, इसकी आउटपुट इसके लिए इनपुट बन चुकी है, आर की आउटपुट नॉट की इनपुट बन चुकी है, और लास्ट में ये ए प्लस बी को क्या कर देगा? कॉम्प्लीमेंट कर देगा। और आप जानते हैं कि ये जो चीज है इसको हम डी मॉर्गन्स लॉज में पढ़ते हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो लेकिन अभी जो है, अभी आपको ये समझना जरूरी है कि देखिए बच्चों और गेट की आउटपुट ये है, और ये पूरा का पूरा जो गेट बन चुका है ये कौन सा गेट बन चुका है? अब नॉर गेट। पर इतना ज्यादा लिखने से
अगर इतना बड़ा सिंबल बनाने से बेहतर है हम कोई ऐसा सिंबल बना दे जो छोटा और जल्दी लिखने वाला हो, जल्दी हम जिसका डायग्राम बना पाए। तो देखिए बच्चों, अब हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। यहां पर ये तो अभी और ही है, जब इस और को ये पूरा नहीं बल्कि इसके छोटा सा ये जो सर्कल है अगर ये यहां पर लगा दिया जाए तो ये गेट जो बन जाता है, दिस गेट इज नॉर गेट, ये नॉर गेट होता है। और ए बी, बोलिए बच्चों इसकी बुलियन इक्वेशन क्या हो गई, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपके जहन में एक चीज चल रही होगी, अगर बच्चों ये जीरो नहीं होता, ये मतलब ये सर्कल यहां पर नहीं होता तो ये और गेट होता, इसके इन्वॉल्व होने से ये नॉर गेट बन गया। अगर ये नहीं होता तो ए प्लस बी आपके पास क्या होता, बुलियन इक्वेशन होती। इसका मतलब ये है कि नॉर गेट जो होता है, नॉर गेट कैसा काम करता है, नॉर गेट ठीक उसके किसके ऑपोजिट वाला काम करता है, रेसिप्रोकल ऑफ किसका, आर गेट, मतलब उल्टा। भाई आर गेट का उल्टा कौन सा है, नॉर गेट, मतलब आर गेट जो काम करता है उसके ठीक ऑपोजिट कौन सा काम करेगा, नॉर, मतलब ना करने वाला है। देखिए बच्चों, बुलियन इक्वेशन ये आ गई और इसका मैं ट्रुथ टेबल आपको ड्रॉ करके देता हूं। इसी तरीके से आप नैंड के बारे में भी पढ़ेंगे, इसका ट्रुथ टेबल मैं आपको बना के दे रहा हूं। ट्रुथ टेबल के लिए आप जानते हैं कि आपके पास अगर टू टर्मिनल है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर, यहां पर मैं लिखूंगा ए प्लस बी। देखिए बच्चों, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एक चीज करूंगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर मैं ए प्लस बी कर रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, क्योंकि मुझे आउटपुट चाहिए y इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये आउटपुट है किसकी, आपके पास नॉर गेट का, नॉर गेट का आपके पास ये है ट्रुथ टेबल। बोले बच्चों चार अरेंजमेंट, जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन, तो और ये तो आर ही है भाई, इधर तक आर है, इसको नॉट कर दिया तो नॉर बन गया। जीरो जीरो देखिए एडिटिव होता है, ये यहां पर है, इसका मतलब जो इसकी आउटपुट है उस पे, देखिए यहां पर जीरो है तो इसको इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन, और बाकी सारे के सारे जीरो। तो बच्चों आपको अब ये याद रखना है, इसका मतलब ये तो आपको एड टू मेमोरी, समझाने के लिए मैंने ये भी डाला, लेकिन अगर आप जब फाइनली लिखेंगे तो आप सीधे डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, इसको मिटा देंगे और जो ये मैंने रखा है इसको रख देंगे, ये वाला, ये इनपुट्स है और ये आउटपुट है, आउटपुट ये y इक्वल्स टू दिस। देखिए बच्चों ये आ गया, इसका मतलब इसमें से एक और डेफिनेशन बन गई, क्या डेफिनेशन बन गई बच्चों, कि आउटपुट हाई कब होती है, जब दोनों के दोनों इनपुट्स क्या हो जाएं, जब दोनों के दोनों इनपुट्स लो हो जाएं तब ही हाई आएगी, और लो कब होगी, जब दोनों के दोनों इनपुट्स हाई भी होंगे तब भी लो, जब एक भी हाई होगा तब भी लो, जब एक भी लो होगा तब भी लो। तो इसका जो लास्ट की वीडियोस है उसी तरीके से आप डेफिनेशन बना सकते हैं, टाइम वेस्ट करने का कोई यहाँ पे लॉजिक ही नहीं बनता। मैं बोल देता हूं, एंड अ नॉर लॉजिक गेट इज डिफाइंड एज दैट गेट हुज आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लो, एंड इट्स आउटपुट इज लो व्हेन ऑल इट्स इनपुट्स आर हाई, और आइदर ऑफ इट्स इनपुट इज लो आर हाई। देखिए बच्चों, तो इसका मतलब आपके पास ये ट्रुथ टेबल किसका था, नॉर का था। इसी तरीके से अब आप किस पे जाएंगे, नैंड पे जाएंगे, नैंड पे जाएंगे। बच्चों पहले मैं इनके ट्रुथ टेबल और बुलियन इक्वेशन करवाता हूं, उसके बाद मैं इनके स्विचिंग सर्किट्स आपको बोलता हूं। बोले बच्चों नैंड गेट, ये तो बेसिक सी चीज है बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप नैंड गेट प्रूव कीजिए कि ये यूनिवर्सल गेट है, मतलब आपको नैंड से बेसिक गेट्स बनाने पड़ते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे की लेक्चर्स में बोल दूंगा। देखिए नैंड गेट में भी बच्चों देखो, एक एंड जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नॉट को और एंड, इसका मतलब डेफिनेशन वही बच्चों, लिखना जरूरी नहीं है, यहां पर थोड़ा मैं लिख दूंगा, एंड इज फॉलोड बाय, कौन फॉलो कर रहा है बच्चों,
एंड इज फॉलोड बाई नॉट। अरे भाई सेम ऐसा ही हो गया, पहले एंड बना दो, इसको फॉलो करवाए किससे, नॉट से। ए बी आप जानते हैं एंड गेट कैसा होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है ए डॉट बी, और यहां पे बन जाएगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नॉट गेट तो क्या करता है आप जानते हैं। तो बच्चों यहां पर भी दो गेट्स आ गए और ये रिजल्टेंट गेट कौन सा बन गया, नैंड गेट। अब देखिए बच्चों, अब इसका भी सिंबल बहुत उसी तरीके से करेंगे, ये तो लंबा करके दिया मैंने, अब आप इसका सिंबल भी कैसे कर सकते हैं, बस उसी तरीके से कर सकते हैं। यहां पे मैं बना के दे दूंगा। लॉजिक गेट्स बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हाई लेवल तक लेके जाते हैं और आपके हायर क्लासेस में भी काम देते हैं। देखिए बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, दिस इज ए दिस इज बी, और यहां पर एंड, और इसको सर्कल लगा के ये अब सिंपल हम इसको क्या लिख सकते हैं, नैंड गेट। ये इनपुट्स हैं और ये y इक्वल्स टू ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगी हमारे पास, आउटपुट होगी। अब देखिए बच्चों इसका ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा, इसका ट्रुथ टेबल भी उसी तरीके से बनेगा बच्चों। ए बी पहले सिखाने के लिए ए डॉट बी डालूंगा, फिर उसके बाद वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए बच्चों कितने केसेस बनेंगे, चार, जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन, ये जीरो 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 वन, ये तो आप जानते हैं ये एंड की आउटपुट है, इसको ही नॉट करना है, जीरो के बदले वन, जीरो के बदले वन वन और जीरो। तो देखिए बच्चों ये किसका ट्रुथ टेबल बन गया, ये ट्रुथ टेबल, दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट। और बच्चों आप जानते हैं कि अब ट्रुथ टेबल्स आपके दिमाग में हैं, अगर आपके दिमाग में ट्रुथ टेबल्स हैं तो आप स्विचिंग सर्किट्स को आसानी से बना सकते हैं। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको पैरेलल और सीरीज की बात करी थी, पर एक बात जहन में जरूर रखिएगा कि जब भी हम लोग किसकी बात करते हैं, और गेट की बात करते हैं या एंड गेट की बात करते हैं, तो उनके स्विचिंग सर्किट्स हमें मालूम तो हैं, लेकिन जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चा बैठता है तो वहां पर ऑप्शंस जो आते हैं तो आप एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट जब इंसान हो जाता है तो फिर ऐसा होता है कि जो ऑप्शन वो मैचिंग मैचिंग से ऑप्शंस होते हैं, तो आपको गौर से देखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सटीक बैठ रहा है और कौन सा ऑप्शन 100% सही है। तो उसके लिए मैं अभी आपको बोलूंगा, आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि अभी मैं जो बनाने वाला हूं आपको उससे क्लियर हो जाएगा। आप जानते हैं नॉट के लिए मैंने एक पैरेलल सर्किट डाला था, पैरेलल स्विच को पैरेलल में कनेक्ट किया था किसके साथ, बल्ब के साथ, तो मेरे पास वो चीज मिल गई थी। उसके बाद मैंने स्विचेस को सीरीज में रखा था विद द बल्ब, तो क्या था बच्चों, एंड गेट आया था। फिर मैंने स्विचेस को पैरेलल रखा था, पर बल्ब के रिस्पेक्ट में नहीं, स्विचेस को आपस में पैरेलल रखा था, बल्ब के रिस्पेक्ट में नहीं, ध्यान दीजिएगा, वो बनता था आपके पास। और तो अब मैं आपके पास एक सर्किट यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये सर्किट से आप रूबरू होंगे शायद, ये वाला एक सर्किट में बना देता हूं, ये यहां पर देखिए बच्चों, स्विच वन स्विच टू, पहले मैं बनाता हूं सारे के सारे वोल्टेज सप्लाई बल्ब, और दूसरा मैं यहां पर एक और बनाना चाहूंगा, ये दूसरा है, और इसको भी यहां पे जोड़ देता हूं, स्विच वन स्विच टू पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई बल्ब। बोलिए बच्चों ये किसके लिए था, दिस वाज द अरेंजमेंट फॉर किसके लिए, आर गेट, एंड दिस वाज द अरेंजमेंट फॉर एंड गेट। अब बच्चों मैंने बोला ये आर का था ये एंड का था, मैं इनको नॉट मतलब इसका उल्टा कौन सा गया, नॉर, मतलब इसको अगर नॉर बनाना है तो इसके उल्टा काम करना पड़ेगा। तो बोलिए बच्चों इनके बीच में वही बोल रहा हूं, स्विचेस पैरेलल है आपस में, इसके रिस्पेक्ट में पैरेलल नहीं है भाई, यहां पर स्विचेस सीरीज में है, मतलब मैं अगर इस सारे के सारे ताम झाम को इसके पैरेलल डाल दूं तो उल्टा काम हो जाएगा ना। देखिए कैसे हो जाएगा, इसी को
इस तरीके से डाल देता हूं पॉजिटिव, और यहां से यही सारा का सारा ताम झाम उठा के ऐसे रख दूंगा ऐसे, और एक स्विच इस साइड बना दिया, एक स्विच इस साइड बना दिया। अब देखिए बच्चों, यहां पर नेगेटिव, ये वोल्टेज सप्लाई और ये बल्ब। देखिए स्विच वन स्विच टू और ये बल्ब, बहुत आसान है। बोलो बच्चों, इसी ढांचे को, ये सीरीज में ढांचा था, इस ढांचे को पैरेलल में कर दिया तो इसका उल्टा काम करेगा, अभी आपको समझ आ जाएगा। अब इसको भी क्या कर देंगे, इसी ढांचे को पैरेलल में बना देते हैं। यहां पर पॉजिटिव और यहां से एक, यहां से दो, और ये नेगेटिव, यहां पे बल्ब, इस तरीके से बल्ब S1 S2 वोल्टेज सप्लाई। देखिए बच्चों, यहां पर ये किसका काम करना चाहिए, ये वाला किसका काम करना चाहिए बच्चों, ये वाला काम करना चाहिए इसके नॉट वाला। तो देखिए बच्चों, ये कैसा बन जाएगा नॉर गेट, और ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा नैंड गेट। अब मेरे पास इन्हीं जो आपके पास ये डायग्राम्स है, इससे प्रूव होना चाहिए कि सच में वो ट्रुथ टेबल होता है, सॉल्व होता है या नहीं होता है। लेट अस चेक दैट, हम उसको चेक करते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर किसकी चेकिंग कर रहा हूं, नॉर गेट की। बोले बच्चों, यहां पर अगर मैं ए बी और आगे देखूं इनका आउटपुट क्या आता है, तो देखिए बच्चों, अब स्विच वन और स्विच टू के लिए मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि इसके लिए ए इसके लिए बी मान लेते हैं। कितने अरेंजमेंट्स होंगे, चार अरेंजमेंट्स, जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन। अब चेक करते हैं बच्चों इस ढांचे को, देखिए जीरो मीन्स ऑफ, जीरो मीन्स ऑफ, मतलब ये क्लोज नहीं करने हैं, ओपन रखने हैं, दोनों यही कंडीशन चाहता हूं मैं बच्चों। यहां से पॉजिटिव से जाएगा, अरे भाई इधर जाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये इस रास्ते से सीधा जाएगा और इधर। अब बोले बच्चों, बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। इसका मतलब जीरो और जीरो पे आंसर कैसा आना चाहिए बच्चों, जीरो और जीरो पे आंसर वन आना चाहिए, क्योंकि बल्ब क्या करेगा, बल्ब विल ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा। अब बोले बच्चों, जीरो और वन मतलब ए इसको जीरो ऐसे ही रखो और बी को क्या कर दो, क्लोज कर दो। ठीक है, मैंने क्लोज कर दिया। अब बोले बच्चों क्या होगा, यहां से इधर जाने के बदले क्या होगा, यहां से ये इधर आएगा, स्विच क्लोज हो चुका, ये तो नहीं हुआ, लेकिन ये तो क्लोज हो गया ना, इसका मतलब इस रास्ते से इधर आएगा, बल्ब के पास ही जाएगा ही नहीं। अगर ये बल्ब के पास जाएगा ही नहीं तो आपके पास क्या, बल्ब ग्लो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब यहां पर लिख दूंगा मैं, बल्ब विल नॉट ग्लो। अब देखिए वही चीज, इसको वन कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए, पर इसको मत रखिए, तो अब इस रास्ते से आ जाएगा पर उधर नहीं जाएगा, इसका मतलब फिर से जीरो आ गया। अब वन वन बच्चों, इसको भी क्लोज कर दो, इसको भी, अरे भाई उधर तो जाएगा ही नहीं ना, इसका मतलब जीरो हो गया। तो यस, ये कौन सा गेट है। अब बच्चों बोलिए, ये किसकी आउटपुट होती थी, दिस वॉज द आउटपुट ऑफ नॉर गेट, दैट्स वाई ये प्रूव हो गया, दिस इज द स्विचिंग डायग्राम, स्विचिंग सर्किट फॉर नॉर गेट। अब इसकी बात देखिए बच्चों, इसको मिटा दूंगा, ये हमारे पास एंड गेट था, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, और इसका ए बी और वाई को चेक करना है। तो बच्चों ये वाई को चेक करके कैसा आ गया है, ये वाई को चेक करके ऐसा आ चुका है, देखिए ए प्लस बी उसका कॉम्प्लीमेंट। अब ये कैसा आना चाहिए, ये ऐसा आना चाहिए, लेट अस चेक, चेक करते हैं कितने कॉम्बिनेशंस, अरेंजमेंट चार, जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन, जीरो जीरो मतलब ऑफ रख दो, ठीक है बिल्कुल ऑफ है। अब बोले बच्चों, यहां से ऐसे जाएगा, अरे भाई इधर थोड़ी जाएगा, ये तो ऑफ है, इधर तो जाएगा ही नहीं, यहां से घूम के क्या बल्ब जलेगा, यस जलेगा, यहां पे हम बोलेंगे ग्लो, ठीक है। दूसरा केस, अब इसको मिटा रहा हूं, एक ही पे दिखा रहा हूं सारे, दूसरा इसको जीरो रखो, इसको वन रख दीजिए, मतलब ये जीरो है, मतलब ये ऐसा का ऐसा है, पर ये मैंने क्लोज कर दिया, क्या फर्क पड़ने वाला है, इधर से तो जाएगा नहीं, क्लोज होने का कोई मतलब ही नहीं, वही केस आ जाएगा, यस ग्लो। अब बच्चों तीसरा वाला केस, पहले वाले को क्लोज कर दो, इसको खोल दो, अरे भाई इधर से ऐसे इधर तो चलेगा पर इधर से तो रास्ता ही नहीं है, इसका मतलब दोबारा से उसी रास्ते से जाएगा, वन ग्लो। अब देखिए बच्चों, वन वन, इसका ये भी क्लोज कर दो, ये भी, अरे भाई अब रास्ते मिल गए दोनों के दोनों, इधर से आ जाएगा, ये धरा का धरा रह जाएगा, इसका मतलब जीरो। तो देखिए बच्चों, ये थे स्विचिंग सर्किट्स एंड सम बेसिक्स ऑफ द यूनिवर्सल गेट्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सक्लूसिव गेट जिसमें एक्सॉर गेट है, स्पेशली हम एक्सॉर को पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में बच्चों आपको यहां पर हम बोलेंगे कि जंक्शन से कैसे ये आपके पास गेट्स बनते हैं, वो भी एक नई चीज है, उसको भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।